हे गाइस, ये ब्रदर का प्रिंटर है, मॉडल नंबर 520। इस प्रिंटर के हेल्प से कलर भी एंड ब्लैक एंड व्हाइट भी दोनों तरह के प्रिंट निकालते हैं, लेकिन कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें ध्यान में रखकर प्रिंट करना पड़ता है और हर फाइल के लिए अलग होता है। जैसे वर्ड, जेपीजी, पीडीएफ सब के लिए अलग अलग होता है, तो हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे केस में वर्ड की फाइल है, मेरे चैनल का लोगो है, तो इस पर सेट करेंगे कैसे अपन इसको कलर में देंगे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर कोई भी प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी करते हैं। जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका जो भी प्रिंटर है उसको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना है, सीधे प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आपका पेपर टाइप आता है, प्लेन है, ग्लोसी है, क्या है, वो आपको वैसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पेपर की कलर की क्वालिटी देना है, हाई, लो, मीडियम, जैसा हो। तो नॉर्मल में रख लेता हूँ और यहाँ पर अपन को देखो कलर करना है। कलर करने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कलर कर लिया और यहाँ पर प्रिंट रिव्यू जरूर अपन को करना है, क्योंकि जो रिव्यू में आता है वहीं अपना प्रिंट आता है। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग कलर तो लेते लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिया था कलर और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कलर आ रहा है, लेकिन अगर ये पीडीएफ की फाइल होती तो वहां पर कुछ और हमें चीज करना पड़ता है। तो यहां पर मैंने पीडीएफ की फाइल ले ली है और वहां पर सेम थिंग प्रिंट देने के लिए कंट्रोल पी करते हैं। जैसे कंट्रोल पी करेंगे वहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपका जो भी प्रिंटर है उसको ले लेना है और प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जैसे जाएंगे वहां पर जो अभी पिछला जस्ट किए थे वही सेम थिंग इसमें आएगा, लेकिन इसमें एक चीज और अपन को ऐड करना है। तो यहां पर मैं सब कुछ उनको ले लिया है, ओके करता हूं, प्रिंट रिव्यू आएगा, देखना वहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, लेकिन कलर करे थे लेकिन आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। इसको अपन कैसे सेंगे रहेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए जस्ट अभी आ जाएगा, ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट आया। अब इसको कलर कैसे करें आइए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो सेम थिंग आपको यहाँ पर जो प्रिंट एज ए ग्रे स्केल है इसको अनचेक करना है। इसके बाद आपने जो चीज़ें फॉलो करी थी उसको फॉलो करिए और प्रिंट रिव्यू करिए, ओके करिए, ठीक है। आप पेज ले लेते हैं एक से एक ताकि अपना जल्दी लोडिंग हो जाए और प्रिंट रिव्यू में आप देख सकते हैं। अभी वेट, जस्ट वेट, ओके, ये देखो कलर में आ गया। तो वो जो सेटिंग है ग्रे स्केल में वो लेना पड़ेगा। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही नॉलेज वाले देखने को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।